अब यह है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 5.3 का ही है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक फिगर दिया गया है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल जो है यह सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है, जैसे यह एक सेमी सर्कल हुआ एल वन, यहाँ से एक दूसरा सेमी सर्कल हुआ एल टू, यहाँ से यह तीसरा सेमी सर्कल हुआ एल थ्री, यह चौथा हुआ एल फोर। ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विच सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। तो फर्स्ट सेमी सर्किल का सेंटर है ए, और सेकेंड जो सेमी सर्कल होगा उसका सेंटर होगा बी। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडी 0.5, फर्स्ट सेमी सर्किल का रेडी है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस ऑफ एल वन फर्स्ट सेमी सर्कल यह है 0.5, इसको मान लेते हैं आर वन लेट, है ना। फर्स्ट सेमी सर्कल का जो रेडियस है उसको डिनोट करेंगे आर वन से, और रेडियस ऑफ एल टू सेकेंड सेमी सर्किल का इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसको आर टू से डिनोट करेंगे, और एल थ्री इसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, इसको आर थ्री से डिनोट करेंगे, और एल फोर इसका दिया गया है 2 सेंटीमीटर, आर फोर से इसको डिनोट करेंगे। तो इस सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल एच बाई आर। तो पहले सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, बाई आर। दूसरे सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, बाई आर वन। तीसरे का होगा बाई आर टू, बाई आर थ्री एंड सो। तो फर्स्ट या आर वन सॉरी आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर। तो फर्स्ट का रेडियस क्या है 0.5, तो 0.5 पाई यह हो जाएगा 1 इंटू पाई, यह हो जाएगा 1.5, आर थ्री जो है 1.5 है पाई, और यह हो जाएगा 2 पाई। अब यह जो सीक्वेंस है इससे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 0.5 पाई एंड d इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 क्या है, 5 1 5 5 माइनस 0.55 इक्वल टू 0.55। तो फर्स्ट टर्म भी है 0.5 पाई और इसका कॉमन डिफरेंस भी है 0.5 पाई, और ऐसा स्पाइरल 13 स्पाइरल्स है, तो नंबर ऑफ स्पाइरल्स n इक्वल टू 13। तो कह रहा है इन 13 स्पाइरल्स का टोटल लेंथ क्या होगा उसको निकालना है। तो हमने इसमें a निकाल लिया, b निकाल लिया और नंबर ऑफ स्पाइरल्स निकाल लिए 13। फार्मूला यूज करेंगे SL इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 13 इक्वल टू 13 बाय 2 2 इंटू a मेरा क्या है 0.5 प्लस n हो गया 13 माइनस 1 इंटू d है
0.55, या हो गया 13/2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1/5 प्लस 12 इनटू 0.55, या हो जाएगा 13/2 पाई प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 6π, या हो गया 13/2 इनटू 7π इक्वल टू 13/2 इनटू 7π का वैल्यू अब पुट करेंगे। पहले पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में और प्रॉब्लम होगा, इसलिए सबसे लास्ट में पाई का वैल्यू पुट करेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर। एक टोटल स्पाइरल्स का जो लेंथ होगा वह 143 सेंटीमीटर टोटल उसका लेंथ होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा।